वक्त है खास विषय पर चर्चा करने का और आज हम शशि जी से जानेंगे कि बच्चों का नाम रखते समय किन बातों का ध्यान रखें, किस अक्षर से शुरू हो आपके बच्चे का नाम, आइए जानते हैं। दर्शकों, हिंदू संस्कृति के अनुसार जब घर में संतान होती है तो सबसे पहले ये होता है कि नाम क्या रखें, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो नाम का वर्ण पूछते हैं कि जो नाम इसके लिए सूट करे, जो भविष्य इसका उज्जवल हो, तो कैसे नाम रखे जाएं, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों, भारतीय पद्धति नक्षत्र के आधार पर सामान्यतः राशि आधारित नामों को रखती है, यानी कि राशि के अनुसार रखते हैं। और वेस्टर्न संस्कृति में, पाश्चात्य पद्धति में, सूर्य जिस राशि में होता है उसके आधार पर रखते हैं। दक्षिण भारत में एक प्रथा है जो सनातन धर्म में है, वही मान्यता दक्षिण भारत की भी है कि जो जन्माक्षर है, जो जन्म का जो अक्षर निकलता है राशियों से, उसके अनुसार रखते हैं, उसी के अनुसार गुण उसके डेवलप होते हैं। वर्तमान समय में कुछ विद्वानों की ये मान्यता है कि राशि के स्वामी, जो भी राशि का स्वामी होता है, उस व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव में दिखाई देता है, जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राशि का वर्ण जो होता है, जो राशि के जो लेटर होते हैं, हर राशि में कुछ लेटर्स होते हैं, यूनिक होते हैं, वो उनके आधार पर उसका स्वभाव होता है। पाश्चात्य पद्धति में सूर्य जन्म, जब जन्म होता है और जिस समय सूर्य जहाँ होता है उसके अनुसार राशि मानते हैं, ये अलग अलग पद्धतियाँ हैं। अंक ज्योतिष में हर लेटर को एक नंबर से जोड़ दिया जाता है और उसका गणितीय आकलन करके वो बताते हैं। वैसे दक्षिण में और गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में व्यक्ति के नाम के आगे पिता का नाम भी लिखने के जाने की परंपरा है। कुछ दक्षिण प्रांतीय जो प्रदेश हैं, जो शहर हैं, वहाँ अपने आराध्य देव का नाम भी लगाते हैं, परंतु ज़्यादातर दक्षिण भारतीयों में सनातन के हिसाब से ही व्यवस्था है। कुछ जगह अपने नाम में पिता का नाम, गांव का नाम, ये सब जोड़ा जाता है दक्षिण भारत में। कुछ दक्षिण भारतीय प्रांतों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में, ऐसी मान्यता है कि दादा जब जन्म लेते हैं तो वो पोते के रूप में पुनः परिवार में आते हैं। ऐसी स्थिति में तीनों पीढ़ियों के नाम को बराबर बराबर तरीके से रखा जाता है। नाम की शुभता बढ़ाने के लिए मुख्यतः कुछ उपाय किए जाते हैं। जन्म का नाम अलग अलग, पुकारने का नाम अलग अलग रखा जाता है। दर्शकों, ये तो टेक्निकल चीज़ थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नाम कैसे रखने चाहिए और क्या नाम रखने चाहिए। दर्शकों, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का नाम उसके पिता के नाम से एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी ना हो, यानी दोनों की जो मीनिंग है वो बिल्कुल अपोजिट ना हो। बच्चे का नामकरण यदि उसके माता पिता करते हैं तो सबसे अच्छा है, अगर दादी बाबा हैं तो वो नामकरण करेंगे। बच्चे का नामकरण करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कुल परंपरा का तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है ही है कि उसके अनुसार करिए, क्योंकि भारतीय परंपरा में शब्द ही ब्रह्म है। नाम इस तरह से रखिए जिसका परिवार के लोग सही तरीके से उच्चारित कर सकें, ऐसा ना हो कि अनावश्यक रूप से कॉम्प्लिकेटेड नाम रख दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया, अभ्रंश हो गया कि क्या बोलना है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे नाम से बचना चाहिए। देवताओं के नाम पर अगर रखते हैं तो केवल सौम्य देवताओं के नाम रखने चाहिए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि नाम बहुत सरल होना चाहिए, इसमें कभी भी आधे लेटर ना हो, ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि आधे लेटर ना हो। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से लेटर हैं जो नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो राशि मैं बताऊंगा, मेष राशि जैसे है, तो उसमें वो लेटर बताऊंगा जो आपको नहीं रखने हैं, इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं। मेष राशि वालों को ध्यान रखना है ता से, यानी टी से, ना से, या से, दी से, था से, दे से, दो से, चा से, ची से, टा से, पा से, जिसमें मात्राएं लगी हैं उनको विशेष का ध्यान रखिए।
अगर टो है तो टो, अच्छा कई लेटर ऐसे हैं जिसमें कि आपको नाम ही नहीं मिलेगा, तो वो सेफ साइड है कि वो तो अपने आप हट जाएंगे। लेकिन जो शास्त्र कहता है कि वो इसके ये जो लेटर हैं ये घातक है, इसमें होगा क्या, इसमें सेक्रीफाइस ज़्यादा है। नाम रखा तो नाम को लेकर एक संघर्ष है, एक नाम में एक वजन है, तो वो इसमें कम हो जाएगा। अब आते हैं वृष राशि वालों पे, इसमें रा ता या भा धा फा चा ला और आ, इसी को आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जैसे आर टी वाई बी एच डी एच एफ सी एच एल ए, इस तरीके से आपको देख लेना है, इसको नोट कर लीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए तो ना या भो जा खा गा बड़ी ई ऊ ए ओ और वा, इनसे नाम नहीं रखने हैं। कर्क राशि वालों पर आते हैं कि या भा धा फा गा सा दा का घा और छा। सिंह राशि वालों पर अब आते हैं कि भा, भा में भी खास तौर से भो, भो जा खा गा दी था दे दो चा हा डा, इन सब से नहीं रखना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि वालों पर, कन्या राशि वालों पे गा सा दा चा ला आ मा और टा। तुला राशि वालों पे दी था दे दो चा ई ऊ ए ओ टो वा और पा। वृश्चिक राशि वालों को चा ला आ का घा छा रा ता, इन सब से बचना चाहिए। अब धनु राशि वाले पे आते हैं, ई ऊ ए ओ वा हा डा तो ना या। मकर राशि वालों को जिन लेटरों से नाम नहीं रखना अपने बच्चों का, वो ये हैं का घा छा मा टा या भा धा और फा। कुंभ राशि वालों के लिए हा डा टो पा भो जा खा और गा। और आखिरी राशि मीन राशि के जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि मा टा रा ता गा सा और दा, इन लेटरों से नाम नहीं रखने चाहिए। दर्शकों, नाम रखने का एक अपना एक महत्व है, उसका एक वजन है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड है बचपन से, उनको खांसी आती है, उनको जल्दी जुखाम हो जाता है, तो उनका वाटरी कंटेंट पे नाम नहीं रखना चाहिए। जैसे किसी बच्चे को जुखाम जल्दी हो रहा है, उसको कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, अब उसका नाम आपने जलज रख दिया तो उसका संबंध कहीं ना कहीं जल से हो गया। तो इस चीज़ को समझना है कि जो तासीर है वो नाम निगेटिव चीज़ को प्रमोट ना करें। तो नाम अच्छे से रखिए और नाम का बड़ा प्रभाव होता है।